2001 में हुए संसद हमले की 22वीं बरसी पर एक बार फिर देश की संसद की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक सामने आई। दोपहर 1:01 का वक्त था। पश्चिम बंगाल के मालदा से बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू लोकसभा में अपनी बात रख रहे थे। सभापति की कुर्सी पर राजेंद्र अग्रवाल बैठे थे। संसद रोजाना की तरह सामान्य रूप से चल रही थी। इसी दौरान संसद के सेंट्रल हॉल, जहां सभी सांसद बैठते हैं, उसमें ऊपर की तरफ बने दर्शक गैलरी से दो शख्स कूदते हैं। उनके हाथों में गैस टैंक भी थी, जिससे लोकसभा में धुआं ही धुआं भर गया। दर्शक गैलरी से सांसदों के बीच कूदा वह शख्स एक सीट से दूसरी सीट पर कूदता रहा। इस दौरान वो नारेबाजी करता रहा। सुरक्षाकर्मियों और कुछ सांसदों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। स्पीकर राजेंद्र अग्रवाल ने लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी। जानकारी के मुताबिक हमलावर ने अपने जूतों में गैस टैंक छुपाई थी। जब यह घटना संसद के अंदर घट रही थी, लगभग उसी वक्त संसद के गेट के बाहर एक महिला और एक पुरुष गैस टैंक से पटाखे छोड़ते हैं, नारेबाजी करते हैं। हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें भी पकड़ लिया। संसद के अंदर और बाहर नारेबाजी और गैस टैंक छोड़ने वाले ये सभी लोग एक ही संगठन के बताए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में अब इनके बारे में जो जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, हम आपसे वो साझा करते हैं। जानकारी के मुताबिक सागर शर्मा बीजेपी मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा के नाम से जारी विजिटर पास के जरिए संसद भवन में दाखिल हुआ था। लखनऊ का रहने वाला सागर शर्मा इंजीनियरिंग का छात्र है। इसके अलावा पकड़ा गया मनोरंजन पेशे से इंजीनियर बताया जा रहा है और मैसूर का रहने वाला है। साथ ही पुलिस ने हरियाणा के हिसार की रहने वाली नीलम और महाराष्ट्र के लातूर के रहने वाले अमोल शिंदे को संसद भवन के बाहर रंगीन धुआं फैलाकर प्रदर्शन करने के दौरान हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक संसद में हंगामा करने वाले दिल्ली के बाहर से आए 5 लोग गुरुग्राम में ललित झा नाम के शख्स के घर पर रुके थे। बताया जा रहा है कि ये चारों सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से मिले थे, फिर उन्होंने संसद में इस हमले का प्लान बनाया था। बता दें कि इस घटना के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पूर्व सांसदों और सांसदों के निजी सहायकों के संसद भवन में एंट्री पास कैंसिल करने के आदेश दे दिए हैं। ओम बिरला ने इस मामले पर सभी दलों के सांसदों की एक बैठक भी बुलाई है। बता दें कि जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक इस घटना में कुल 6 लोग शामिल थे। 5 आरोपियों की पहचान हो चुकी है, जबकि 6ठे अज्ञात आरोपी की जांच में एजेंसियां जुट गई हैं। इन 6 में से 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस आरोपियों को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई है। वहां एंटी टेरर स्पेशल यूनिट और खुफिया एजेंसियां आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं। आरोपियों का कहना है कि वो किसी संगठन से जुड़े नहीं हैं, वे स्वप्रेरणा से संसद के अंदर गए थे। जांच में ये खुलासा हुआ है कि इस घटना में 2 लोग संसद के अंदर और 2 लोग संसद के बाहर थे। इसके अलावा भी 2 लोग इस वारदात में शामिल थे, जो फरार बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोपी प्रतीकात्मक विरोध करने की योजना बनाकर संसद में घुसे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश की संसद की सुरक्षा में आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? आरोपियों की जांच के बाद सुरक्षा इंतजाम की समीक्षा भी जरूर होगी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।